पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए. आई थिंक पॉलिटिक्स अपनी जगह है और एक कल्चरल एक्सचेंज अपनी जगह है. दिस शुड बी ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. आई डोंट एग्री विद दिस. ये कुछ सोचा नहीं मैंने. ब्यूटी ऑन द बीस्ट एक बहुत ही मतलब अरसे से एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. उसके काफ़ी अलग अलग किस्म की कहानियाँ बन चुकी हैं. अगर आगे कभी फ्यूचर में होगा तो ज़रूर करेंगे. थैंक यू. पहली बार प्ले देख रहे हैं यहाँ पे. उन्होंने न्यूयॉर्क में प्ले देखा था लेकिन मुंबई में इट्स फर्स्ट टाइम डिज्नी का प्ले यहाँ पे शोकेस हो रहा है. तो हमारी पूरी फैमिली फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड है. सो मैं तो ब्रॉडवे की बहुत बड़ी फैन हूँ. म्यूजिकल्स की बहुत बड़ी फैन हूँ. कुणाल एंड आई ट्रैवल्ड अ लॉट इन इंग्लैंड एंड न्यूयॉर्क एंड वी सीन लॉट्स ऑफ म्यूजिकल्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं वीकेंड पे हम क्या करें बॉम्बे में मुंबई में. तो अभी एक कुछ नया है हम सब के लिए जो हम अपनी फैमिलीज के साथ इन्जॉय कर सकते हैं. In 70s and 80s, I used to go to New York and America and used to watch with great excitement all those Broadway shows. And I used to dream that one day will come when India will also see and experience. मैंने कई ब्रॉडवे के शोज देखे हैं बाहर. सो आई वेरी एक्साइटेड कि फाइनली एक ऐसा बड़ा शो जो अक्सर हम US में देखते हैं वो आज हमारे मुंबई में हो रहा है. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस. एडवेंचर ये लाइफ जो एडवेंचर वह ये या ये जो यू नो द म्यूजिकल दैट दे आर एक्चुअली गेटिंग हियर आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप एंड आई होप कि एक माइलस्टोन बन जाए और इस तरह से ऐसे कई सारे और यू नो ब्रॉडवेज और म्यूजिकल्स और प्लेज यहाँ पर आए ताकि हम हिंदुस्तान वाले भी दिखा सकें यार हम भी कर सकते हैं. डू दिस एंड एज रिद्धि सेड कि इट्स अबाउट टाइम. अब जरूरी है हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होना. I mean, we all go abroad and we see all these musicals. So I think it's about time that we have these shows in India because there are lots of people who want to see this. मतलब बहुत हो गया कि हम हमारे दोस्तों को आप न्यूयॉर्क गए यार आपने ब्रॉडवे देखा अब वहाँ पे लोग कहेंगे अरे तू बोरीवली गई थी अरे वो तूने क्या देखा म्यूजिकल था वीर शिवाजी क्या वैसा कुछ होना चाहिए हिंदुस्तान. ऐसे बहुत है. फैंटम ऑफ द ओपरा है कैट्स है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जिसके म्यूजिकल्स ऐतिहासिक हो चुके हैं. ऐसे बहुत सारे हैं बट आई एम लायन किंग फॉर इंस्टेंस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स या ऑल आवर फेवरेट्स. थैंक यू गाइस. थैंक यू.